वेलकम एवरी वन आई एम डॉक्टर निशा सिंह एंड टूडे आई विल डिस्कस द नुमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ फ्यूल इन विच यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड एन द नुमेरिकल इन विच वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ नुमरिकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं देख रहे हैं क्या क्या वैल्यू हमें दी है देर इज थ्री ग्राम ऑफ कोल वॉज हीटेड इन जेल्डॉल फ्लास्क एंड अमोनिया गैस इवॉल्व वॉज एब्सॉर्ब इन फोर्टी एम एल ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एन सल्फ्यूरिक एसिड तो दैट मीन्स हमें वेट ऑफ कोल दे दिया हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड दे दिया हमें नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड दे दी देन द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 18.5 पॉइंट फाइव एम एल ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एन के ओ एच यानी जो एल्कली सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी हमें दे दी और उसका वॉल्यूम हमें दे दिया दैट इज फॉर एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का दिया है कि 2.3 ग्राम ऑफ सैंपल कोल सेम सैंपल कोल यानी जिसका नाइट्रोजन के लिए हमने 3 ग्राम लिया है उसी कोल का 2.3 ग्राम हमने लिया है सल्फर परसेंटेज के लिए तो दैट इज इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस गिव 0.35 ग्राम बेरियम सल्फेट तो हमें न्यूमेरिकल के दो डिफरेंट पार्ट दिए हैं दिस इज पार्ट वन विच इज फॉर नाइट्रोजन कैलकुलेशन दिस इज पार्ट टू विच इज फॉर सल्फर कैलकुलेशन तो दोनों के लिए ही हम डिफरेंट फॉर्मूले यूज करते हैं तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट वन को जिस पार्ट वन में हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो देखते हैं इस नाइट्रोजन परसेंटेज के लिए हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है तो द गिवन वैल्यूज आर वेट ऑफ कोल विच इज थ्री ग्राम जो कि हमें दिया हुआ है इसके बाद हमें दिया हुआ है टोटल एसिड की वॉल्यूम कितना है टोटल एसिड दैट इज फोर्टी एम फिर हमें दी है नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड लिटी ऑफ एसिड जिसको हम कंसिडर करते हैं एन वन की फॉर्म में दैट इज जीरो पॉइंट फाइव एन फिर इसके बाद हमें दिया है एटीन पॉइंट फाइव एम एल ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एन के ओ एच दैट मीन्स हमें गिविन है वॉल्यूम ऑफ एलकली यानी वॉल्यूम ऑफ एन एच और के ओ एच के ओ एच गिविन है तो के ओ एच का वॉल्यूम हमें दिया है दैट इज कंसिडर्ड एज वी टू ये हमें दिया है 18.5 पॉइंट और साथ ही साथ हमें दी है इसकी नॉर्मैलिटी तो नॉर्मैलिटी को लिख लेते हैं नॉर्मैलिटी ऑफ एन और, और के ओ एच दैट इज एलकली जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो ये हमें गिवन है एन टू जीरो पॉइंट फाइव एन अब ये जो दी हुई वैल्यूज हैं इन वैल्यूज से हम अपने कैलकुलेशन के पहले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जिसको हमने प्रोसेस में डिस्कस किया था द लिंक ऑफ द प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो वहां से आप एक बार पूरे प्रोसेस को उसके सारे स्टेप्स को रिवाइज कर सकते हैं तो अब हम यहाँ सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अपने वी वन वी वन क्या है हमारे पास दैट इज अनयूज एसिड तो उस अनयूज एसिड को हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो अनयूज एसिड दैट इज कंसिडर्ड एज V1 ये हमें कैलकुलेट करना है तो हम अपने टाइट्रेशन के पार्ट की हेल्प लेंगे यानी कैलकुलेशन के लिए हम एक तरफ एसिड जो कि हमें दिया हुआ है H2SO4 H2SO4 और दूसरी तरफ हम लेंगे एलकली जो कि हमें दिया हुआ है KOH तो इन दोनों के लिए हम अपने टाइट्रेशन के फॉर्मूले को यूज करेंगे दैट इज एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू अब हमें यहां से वी वन कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू अपॉन एन वन जब इसमें हम सारी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे तो एन टू हमें क्वेश्चन में गिवन है जीरो पॉइंट फाइव वी टू हमें गिवन है एटीन पॉइंट फाइव और एन वन इज जीरो पॉइंट फाइव तो आफ्टर कैलकुलेटिंग हमारे पास आएगा वी वन दैट इज इक्वल टू एटीन पॉइंट फाइव एम एल और ये वी वन क्या है हमारे पास दैट इज अनयूज एसिड अब इस अनय एसिड की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे अपने यूज एसिड को और यूज एसिड कैलकुलेशन यानी कि V इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल एसिड माइनस V1 V1 क्या है अनयूज एसिड तो टोटल एसिड देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था टोटल एसिड इज 40 एम जिसके अंदर हमने एब्जॉर्बशन कराया तो हम इस 40 ml में से V1 को यानी 18.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 21.5 वन पॉइंट फाइव एम दैट इज वी अब जब V हमने निकाल लिया तो अब हम अपनी नाइट्रोजन परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग 1.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाय एन वन मल्टीप्लाइड बाय वी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने प्रोसेस की वीडियो में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे नाइट्रोजन परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यू प्लेस करेंगे 1.4 पॉइंट फोर एन वन इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5 की फॉर्म में दिस इज एन वन तो वैल्यू प्लेस करेंगे 1.4 पॉइंट फोर एन वन दैट इज जीरो पॉइंट फाइव इंटू वी दैट इज ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कोल जो हमें दिया हुआ है तीन ग्राम एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी विल हैव फाइव पॉइंट जीरो वन परसेंट दैट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अब इस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को निकालने के बाद हम अपने नुमेरिकल के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ जाएंगे सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ सल्फर उसके लिए देख लेते हैं हमें 2.3 ग्राम कोल सैंपल दिया है और 0.3 ग्राम हमें बेरियम सल्फेट दिया है तो इन दोनों दी हुई वैल्यूज की हेल्प से हम सल्फर परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है तो जो पहले हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं उनको मेंशन कर लेते हैं दैट इज फॉर सॉल्यूशन ऑफ पार्ट टू जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी आर हैविंग वेट ऑफ कोल जो कि हमें दिया हुआ है 2.3 ग्राम और उसके बाद हमें दिया हुआ है वेट ऑफ बेरियम सल्फेट ये हमें क्वेश्चन में गिवन uh, है 0.35 ग्राम अब हम अपना सीधा सीधा फॉर्मूला प्लेस करेंगे फॉर सल्फर परसेंटेज दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल मल्टीप्लाइड बाय 32 अपॉन 233 थर्टी थ्री और जब हम इसके अंदर अपनी सारी की सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो उसके बाद देखते हैं हमारा क्या आंसर निकल कर आता है मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पर इंसर्ट कर रही हूं बस वैल्यू प्लेस करते हैं सारी वी आर हैविंग सल्फर परसेंटेज वेट ऑफ बेरियम सल्फेट हमें दिया है 0.35 वेट ऑफ कोल हमारे पास है 2.3 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 टू बाई टू के साथ इन टू तो आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन वी विल हैव 2.08 परसेंट तो दैट इज द सेकेंड आंसर दैट मीन्स जो हमारी नाइट्रोजन परसेंटेज है ये आई है 5.01% पॉइंट equal परसेंट की इक्वल और जो हमारी सल्फर परसेंटेज है ये हमारी निकल कर आई है 2.08% परसेंट तो दैट मीन्स इस तरीके से हम अपने इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं सल्फर परसेंटेज सिंपली कैलकुलेट हो जाती है नाइट्रोजन परसेंटेज के लिए हमें दो स्टेप लेने पड़ते हैं पहला स्टेप लेते हैं हम टाइट्रेशन का जिस टाइट्रेशन की हेल्प से हम पहले कैलकुलेट करते हैं यूज और अनयूज वॉल्यूम ये हमारा अनयूज वॉल्यूम निकला फिर हमने इसकी हेल्प से यूज वॉल्यूम निकाला एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस यूज वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो आई होप ये दोनों पार्ट ऑफ नुमेरिकल आपको क्लियरली समझ में आए होंगे अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक नुमेरिकल और मैंने यहाँ पर मैंशन किया है जिसमें आपको नाइट्रोजन परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आप अपनी तरफ से इसे कैलकुलेट करके देखें और इसका आंसर जो है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दें सो दैट आई कैन चेक दैट इज करेक्ट और नॉट इन दिस क्वेश्चन बाय जेलडोल मेथड 3.5 ग्राम कोल सैंपल दिया है जो अमोनिया गैस इवॉल्व हुई उसके एब्जॉर्बन के लिए हम 50 एम एल सल्फ्युल एसिड यूज कर रहे हैं और उसकी जो कंसेंट्रेशन है नॉर्मेलिटी है दैट इज जीरो पॉइंट वन एन जो एक्सेस एसिड है उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने टाइट्रेशन कराई जिस टाइट्रेशन के लिए 15 एम एल जीरो पॉइंट की रिक्वायरमेंट हुई तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करनी है यहाँ क्वेश्चन में तो ये तो हमें दे दिया वेट ऑफ कोल ये दे दिया हमें टोटल एसिड ये दे दी हमें एन वन नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड ये हमारे पास है वी टू वॉल्यूम ऑफ एन एच एंड दिस इज एन टू नॉर्मैलिटी ऑफ एन एच सो आप सब इस नोमेरिकल को सॉल्व करें इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें एंड इफ देयर इज एनी डाउट और एनी काइंड ऑफ सजेशन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच